ओपन इंटरेस्ट के इस टॉपिक में आपका स्वागत है। यह टॉपिक मैंने 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियोस में बनाया हुआ है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप शुरू से लेकर अंत तक वो जितने भी वीडियोस हैं उन्हें अवश्य देखें। इन वीडियोस की सीरीज़ में मैं ये बताऊंगा कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, किस प्रकार से ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, घटता है। इसी के साथ हम ये देखेंगे कि लॉन्ग, शॉर्ट, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग ओपन इंटरेस्ट में किस प्रकार से असर डालती है और इस ओपन इंटरेस्ट के चेंज से किसी भी स्टॉक्स की डायरेक्शन में क्या असर आता है। तो दरअसल ओपन इंटरेस्ट से हमें यह पता चलता है कि कोई भी स्टॉक या निफ्टी का इंडेक्स ऊपर की दिशा में जाएगा या नीचे की दिशा में जाएगा। अब हम ओपन इंटरेस्ट को निफ्टी के फ्यूचर के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से निफ्टी के फ्यूचर में ट्रेडिंग जब होती है तो ओपन इंटरेस्ट कैसे कम ज़्यादा होता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसका नाम ए है, उसने एक निफ्टी का फ्यूचर बेचा किसको, बी को। यानी ए ने एक निफ्टी का फ्यूचर सेल किया और बी ने एक निफ्टी का फ्यूचर बाय किया। अब इस स्थिति में क्या होगा कि निफ्टी फ्यूचर का जो ओपन इंटरेस्ट है वो एक पॉइंट से बढ़ जाएगा। अब यदि यह व्यक्ति बी उसी निफ्टी फ्यूचर को आगे किसी और तीसरे व्यक्ति सी को बेचता है तो क्या निफ्टी के फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, निफ्टी के फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट पे इस ट्रेड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझिए। चूंकि फ्यूचर ए ने बेचा था, बी ने मात्र उस फ्यूचर को खरीदा और बाद में अपनी पोजीशन को प्रॉफिट या लॉस में काट दिया, तो इससे निफ्टी के फ्यूचर पे के ओपन इंटरेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओपन इंटरेस्ट वही का वही रहेगा। तो क्या चेंज होता है? वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज होता है। आपको वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में अंतर समझ में आना चाहिए। यहाँ पे वॉल्यूम एक से बढ़ रहा है। जब ए ने बी को निफ्टी का एक फ्यूचर बेचा था तब वॉल्यूम एक से बड़ा था। यहाँ पे बी ने वही फ्यूचर जब किसी और व्यक्ति सी को बेचा तो ओपन इंटरेस्ट तो वही रहा, खाली वॉल्यूम एक पॉइंट से बढ़ गया। यानी इन दो ट्रेड में टोटल ट्रेड का वॉल्यूम हुआ 2 और ओपन इंटरेस्ट 1 है। अब ये ओपन इंटरेस्ट कम कब होगा? तो ये ओपन इंटरेस्ट तभी कम होगा जब ए अपना फ्यूचर वापस खरीदता है। अभी तक जैसे मैंने आपको बताया था कि ए जो है उसने सबसे पहले निफ्टी का एक फ्यूचर बेचा जिसे बी ने खरीदा, तो हमारा ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के फ्यूचर का एक से बढ़ गया। यहाँ पे वो एक हो गया है, निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट बढ़ के एक आ चुका है। अब जब तक वही फ्यूचर बी आगे सी को बेचता है, सी आगे एक्स को बेचता है और इस प्रकार से वही फ्यूचर दोबारा आगे कई ट्रेडर्स में बिकते जाता है, तो ओपन इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं होता। इस चीज़ को ध्यान रखिए, खाली वॉल्यूम बदलता है। निफ्टी के फ्यूचर्स का वॉल्यूम जरूर बढ़ता रहेगा क्योंकि फ्यूचर में ट्रेडिंग हो रही है तो वॉल्यूम बढ़ता रहेगा, लेकिन ओपन इंटरेस्ट में कोई अभी तक चेंज नहीं हो रहा है। अब ये ओपन इंटरेस्ट में चेंज कब आएगा? ये ओपन इंटरेस्ट में चेंज तब आएगा जब ए, मान लीजिए सी ने एक्स को बेचा और अब एक्स से ए ये फ्यूचर वापस खरीदता है, तो जब तक ए अपना बेचा हुआ फ्यूचर वापस ना खरीद ले निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट कम नहीं होगा। अब जैसे ही ए ने अपना फ्यूचर वापस ले लिया जो ओपन इंटरेस्ट था वो -1 से कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है
कि ओपन इंटरेस्ट तभी कम होता है कि जब सबसे स्टार्टिंग में जिस व्यक्ति ने सौदा बेचा था, जिस व्यक्ति ने फ्यूचर या पुट कॉल बेची थी, जब वो लोग वापस ले रहे हैं, अपना अपनी पुट कॉल को वापस खरीद रहे हैं, अपने फ्यूचर को वापस खरीद रहे हैं, उस समय जा कर के ओपन इंटरेस्ट कम होता है। ये ओपन इंटरेस्ट कम क्यों होता है, किस स्थिति में होता है, इसको मैं आगे जो है दूसरे वीडियोस में इस बारे में चर्चा करूँगा, तो आप उन वीडियोस को अवश्य देखिए।